यहाँ जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय है, इनका भूमिका अभी जैसे वो महाभारत में एक पात्र थे जो लेटे हुए थे तीर धनुष पर, उस सबके गार्डियन थे, लेकिन एकदम असहाय, जिसको बोला जाता असहाय पदाधिकारी, जवाब नहीं देता है, इनके बस में नहीं है। मंत्री सीट पर नहीं रहता है, इनके बस में नहीं है। कोई उल्टा पुल्टा जवाब देता है, इनके बस में नहीं है। कि जो राम का नहीं है वो इस राज्य में किसी काम का नहीं है। कोई ये बताए कि क्या इस राज्य में झारखंड का अफगानिस्तान का हिस्सा है जानीबाग, कि वहाँ पर डीजे नहीं बजेगा। और जो कोई व्यक्ति भी इसको नष्ट करने का कोशिश करेगा, इसमें अवरोध पैदा करने की कोशिश करेगा, 2024 में प्रभु श्री राम का मार उस पर पड़ेगा। देखिए, दो विषय आज ऐसे थे जिन पर सरकार का जवाब नहीं के बराबर आया। पहला विषय था ये जो घोटाला है पत्थर का। माननीय मंत्री जी ने आंकड़ों के जाल में हम लोगों को फंसा दिया कि ये इतने FIR हुए थे पहले, अभी इतना हुआ है, पहले इतना रेवेन्यू आया था, अभी इतना आया है। सवाल ये था कि रेवेन्यू इतना आया जरूर है, लेकिन अगर आपने चोरी को रोका होता तो शायद आपका रेवेन्यू 10,000 करोड़ और बढ़ जाता। जो चोरी हुआ है, हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया टेक्नोलॉजी की तरफ कि साहब अगर आपका गड्ढा हुआ है तो आप सैटेलाइट से माप करा लीजिए। भारत सरकार ने कराया है अभी आयरन ओर के माइंस में, और 20,000 करोड़ रुपया तक का पेनल्टी लोगों को देना पड़ा है। तो आप सैटेलाइट मैपिंग करा लीजिए कि किसको कितना माइनिंग लीज दिया गया था, किसने कितना माइनिंग किया, किसने कितना रॉयल्टी जमा किया, और बाकी जो बचा वो अवैध है, और आप उससे वसूली का कार्रवाई कीजिए। लेकिन इस बात को सरकार ग्रहण कर गई। तो मंत्री का जवाब प्योरली गोल गोल घुमाने वाला था। विस्फोटक के विषय पर भी आपने देखा कि जहाँ अवैध माइनिंग होता है वहाँ अवैध विस्फोटक का इस्तेमाल होता है। मंत्री जी ने सीधे सीधे कहा कि भाई भारत सरकार का मामला है, आपके क्षेत्र में, आप झारखंड की धरती पर अगर कोई विस्फोटक लेकर के आता है तो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और ये झारखंड सरकार का विषय है, उनको एड्रेस करना चाहिए। तो कल एक विषय था शराब का, आपने देखा सरकार ने उसमें भी बहुत अच्छा उत्तर नहीं दिया। और आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय था कि इस राज्य में अभी 12 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही है, इस बात का भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय है, इनका भूमिका अभी जैसे वो महाभारत में एक पात्र थे जो लेटे हुए थे तीर धनुष पर, उस सबके गार्डियन थे, लेकिन एकदम असहाय, जिसको बोला जाता असहाय पदाधिकारी, जवाब नहीं देता है, इनके बस में नहीं है। मंत्री सीट पर नहीं रहता है, इनके बस में नहीं है। कोई उल्टा पुल्टा जवाब देता है, इनके बस में नहीं है। तो इनकी स्थिति, मनोस्थिति हम लोग समझ सकते हैं कि ये रामायण के उसी पात्र के बराबर हैं जो ये पे सोए हुए हैं, बानों की सैया पे सोए हुए हैं, लेकिन अपनी बातों को ये फोर्स नहीं कर पा रहे हैं। झार पोर्टल एक लॉन्च किया गया है, अब तक कैसे प्राइवेट क्षेत्रों में भी 75%। देखिए, ये हम लोग खाली झार पोर्टल के माध्यम से नहीं, विज्ञापनों के माध्यम से भी देखते आ रहे हैं कि 75% लोकल को नौकरी मिलेगा। नोटिस भी जारी हो रहा है, हम लोग उस कमेटी के मेंबर भी हैं जहां पर कि जो पदाधिकारी हैं हम लोग को ले जा करके मीटिंग कर रहे हैं कि भाई हर लोग यूनिट में जा करके जो है 75% स्थानीय लोगों को बहाली कराना है। लेकिन ये परिभाषित ही नहीं है कि स्थानीय कौन है। हमारे बड़े भाई इरफान भाई हैं उधर, वो भी अभी भाग गए के इस बात को बताने से कि स्थानीय झारखंड में है कौन, सरकार ने परिभाषित नहीं किया है। ये सारा ड्रामा सरकार जो है लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कर रही है। जैसे 5 लाख नौकरी का वादा भ्रम था, जैसे स्टाइपेंड देने का वादा भ्रम था कि अगर हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, जैसे वो खराब था, उसी प्रकार से ये भी इनका एक धोखा है, छलावा है। पैर पकार करके अपना वोट प्राप्त करने का काम करती है। अब इरफान भाई ज्यादा अच्छे से बताएंगे इस बात को, शायद भाग भी गए।
वो ज्यादा बढ़िया से बताएंगे। लेकिन अगर हिंदू धर्म का विषय रहेगा, हिंदू धर्म का विषय रहेगा तो ये सरकार दमन का काम करेगी ही। मुझे आपको ये बताना चाहिए, सरकार को ये भी बात बताना चाहिए, हम तो एक ही बात जानते हैं कि जो राम का नहीं है वो इस राज्य में किसी काम का नहीं है, तो जो राम का भक्त नहीं है वो किसी काम का नहीं है, हम तो इतना ही बस जानते हैं। बात बाकी कोई ये बताए कि क्या इस राज्य में झारखंड का अफगानिस्तान का हिस्सा है जालीबाग, कि वहाँ पर डीजे नहीं बजेगा कांग्रेस परिवार से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वहाँ पर आपको बैठ के बात करनी चाहिए लोकल रिप्रेजेंटेटिव से, रामनवमी महासमिति से, अखाड़ों के लोगों से बात करके कोई निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए। मैंने सरकार को सलाह दिया है कि सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। ये बात सही है कि डीजे का पिच बहुत ज़्यादा होता है, उससे कुछ लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, ये बात सही है, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप उसको बंद कर देंगे। रोड में एक्सीडेंट होता है, आप रोड बंद कर दीजिए, चूँकि एक्सीडेंट हो रहा है भाई रोड में चलने का ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप उसका मेजर्स लेते हैं। इसी तरीके से इनको ये मेजर्स लेना चाहिए कि भाई डीजे में कितना बॉक्सेस लगेंगे, कितना पिच पे आवाज़ बनेगा, इस चीज़ों को इनको डिफाइन करके। जो रामनवमी का जो पुराना वैभव है, 104 साल पुराना हमारा इतिहास है, ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी पहचान है, रामनवमी हजारीबाग की पहचान है। और जो कोई व्यक्ति भी इसको नष्ट करने का कोशिश करेगा, इसमें अवरोध पैदा करने की कोशिश करेगा, 2024 में प्रभु श्री राम का मार उस पर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। The followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in